नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे 35 विधायक लेकर के प्लेन पहुंचा हैदराबाद, रिसोर्ट में शिफ्ट किए गए हैं सभी विधायक। झारखंड में चंपाई सोरेन की शपथ होते ही हलचल तेज हो गई है, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब अब दिया जा रहा है चंपाई सोरेन की तरफ से। दोस्तों जानेंगे खबर, इसके साथ ही बिहार में पड़ी फूट, मांझी ने यहां पर खुला बगावत कर दी है, जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। और वहीं के साथ ही यूपी बीजेपी में लोकसभा के चुनाव से पहले मचा हड़कंप, सभी सांसदों की कटेंगे टिकट, बड़ा दावा सामने निकल के आया है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर दोस्तों आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, लोकसभा के चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हड़कंप, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, पीएम मोदी को छोड़कर के सबका टिकट काटने जा रही है भाजपा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में एक सांसद को छोड़कर के सबका टिकट काटने जा रही है और उनकी भी सीट बदल दी जाएगी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को छोड़कर के सभी का टिकट काटने की यहां पर बात कही है। उन्होंने यहां भी दावा किया है कि हो सकता है कि पीएम मोदी की भी सीट यहां पर बदल दी जाए। पीएम मोदी अभी वाराणसी से सांसद हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी के सभी नेताओं की हालत यहां पर बहुत ही खराब है, जनता में बीजेपी के सांसदों को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब भगवान इन पर झाड़ू चलाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आगे कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए यहां पर पकड़ी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यहां पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया और बयान जारी किया और कहा कि 2024 में दोबारा अगर आ गए नरेंद्र मोदी तो इनका नाम नरेंद्र पुतिन हो जाएगा, ये कहना है पंजाब के सीएम भगवंत मान का। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा खुलासा हो गया है यहां पर। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की है, उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी भी शामिल थी। जानकारी के लिए यहां पर बता दें कि जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात की मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले कि जस्टिस बेला त्रिवेदी जिस बेंच का हिस्सा थी, उसने आज यहां पर दो फैसले किए हैं। पहला तो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ में हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और दूसरा उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई यहां पर 14वीं बार स्थगित हुई है। दोनों ही फैसलों पर कोई भी आश्चर्य लोगों को नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने अभी यहां पर जाना ही है कि रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। खबर को लेकर के दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही झारखंड से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही 35 विधायक हैदराबाद रवाना, 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। बहुमत का आंकड़ा है उससे भी ज्यादा का आंकड़ा है महागठबंधन के पास में, लेकिन फिर भी राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि 10 दिन में बहुमत साबित करें। गठबंधन के 35 विधायक हैदराबाद पहुंचे और वहीं कई विधायक यहां पर हैदराबाद नहीं गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर रही है। ऐसे में पार्टी के विधायक इस यात्रा में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भी बयान आया है, उनका भी कहना है कि वे भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। नई सरकार के गठन को लेकर के चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। इतना ही नहीं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल नजर आ रही है और इसके साथ ही बड़ी बगावत के आसार भी दिखाई पड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है, बीजेपी सरकार पर और जो नीतीश की सरकार है उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी ने बोले, एक और मंत्री पद नहीं मिला तो ये यहां पर अन्याय होगा,
हम लोग करेंगे विचार। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार से पहले ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम एक और मंत्री पद मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूरी तरह से हमारे साथ में अन्याय होगा। हमको तो यहाँ पर सीएम पद का तक ऑफर मिल रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन हम फिर भी आरजेडी के साथ नहीं गए। ये यहाँ पर जीतन राम मांझी का बयान सामने निकल के आया है, जो कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फूट पड़ती हुई नजर आ रही है बिहार एनडीए के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले वोटिंग यंत्र और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा देश में गूंज रहा है। संजय राउत का जोरदार हमला, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी गैर कानूनी है, वोटिंग यंत्र और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, यह नारा देश में गूंज रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो या झारखंड हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी की छापेमारी होकर के ही रहेगी, ये यहां पर संजय राउत का कहना है। उनका कहना है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करे और वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कई उदाहरण है, चाहे आप अजीत पवार ले लीजिए या हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं को। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया है लोकसभा से वॉकआउट। बजट सत्र के तीसरे दिन झारखंड के मुद्दे पर संसद में जमकर के हंगामा हुआ है। इस बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों ने झारखंड के मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया और जबरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की है और कहा है कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले कि हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं। पीएमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों तक के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड की अवधि आज से ही शुरू हुई है। इन 5 दिनों तक वे ईडी की हिरासत में रहेंगे। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही बताते चले कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बोले, हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।